भारत बंद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी शाह सरकार की विरोधी लोक और श्रम विरोधी नीतियों ने भयावह बेरोजगारी पैदा की है। मोदी के धनी पूंजीवादी दोस्तों को अपनी बिक्री को सही ठहराने के लिए हमारे सार्वजनिक उपक्रमों को कमजोर कर रहे हैं। तो ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से करते हुए सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विरोध में भारत बंद 2020 का आह्वान किया है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट कर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में, तो केंद्र की सरकार की कथित श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ी ट्रेड यूनियनों ने आज देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। और इसी बीच राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों को और ट्रेड यूनियनों को प्रणाम किया।